कैसे चल रहा है? पापा क्या बताऊं, बिजनेस का तो बेड़ा गर्क हो रखा है। क्यों बेटा, क्या हो गया? ना काम चल रहा है, ना कोई कस्टमर आ रहा है। कहीं अच्छे स्थान को देखो, सो जगह तो देखा हुआ है बट कॉस्टली बहुत है। कोई बात नहीं, कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ बैंक से लोन ले लेते हैं। क्या तो बार बार परेशान कर यार। क्या हुआ, आप इसे ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्या करूं, एक तो ये ना बोल सकती है ना सुन सकती, और ये दूसरा मत बुद्धि। पर है तो हमारे ही बच्चे ना। तो बच्चे हैं तो क्या करूं, इन दोनों को मैं सर पे बिठा के रखूं? कोई बात नहीं बेटा। क्या कोई बात नहीं, बस है ये अपने बच्चे ना, हम कहीं भी क्या सकते हैं। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं? मैं तो परेशान ही बहुत हो गई हूँ हर रोज की चिक चिक से। क्या हुआ बहन? बहन, मेरे दो ये बच्चे, मेरे को इनके भविष्य की बहुत चिंता है। तू इनके स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवाती है? लेकिन बहन, इनका स्कूल में दाखिला कौन करेगा? इनके लिए सरकार ने स्पेशल स्कूल बनाए हैं। लेकिन बहन, अब तो आधा साल निकल चुका है, अब थोड़ा ना इनका दाखिला होगा। सरकार का प्रोविजन है, इनका दाखिला 20 साल में भी हो सकता है। लेकिन बहन, मुझे तो ऐसे स्कूल नहीं पता जहाँ इनका दाखिला होगा। तुम चिंता मत करो, कल मेरे साथ चलना, हम इनका साथ में दाखिला करवाते हैं। ठीक है बहन। तो देखा आपने, ऐसा साधारण बच्चों के साथ परिवार वाले कैसा व्यवहार करते हैं। जैसा कि आपने देखा, नेत्रहीन बच्चों के लिए अलग से स्कूलों का प्रावधान है ताकि इन बच्चों को भी अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सके और शव्य का विकास करके ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। आइए अब अगला दृश्य आपके समक्ष। तुझे ये फूल कहाँ से दिखती है? इसको तो चलना भी नहीं आता। क्या मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, पीछे जाके बैठो। पर क्यों, मुझे भी तो यहाँ आपके साथ बैठने का अधिकार है। नहीं, कहा ना पीछे जाकर बैठो। बोला जाओ पीछे। पता नहीं ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जो हमारे क्लास में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू मैम। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ। मैम, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे यहाँ आपके साथ बैठने नहीं दे रहे हैं। आप पीछे जाके बैठ जाओ। पर मैम, पीछे मुझे सुनाई नहीं देता है। पीछे जाके बैठ जाओ बेटा, आपके पेपर साइन नहीं है। चलो पीछे जाके बैठो। पर मैम, पीछे नहीं सुनाई। जाओ पीछे। सभी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और हम आज 9 का टेबल करेंगे। बोलो 9 आंसर। 9। 9 टू सा 18। 9 थ्री सा 36। 36 नहीं होता है बेटा, 27 होता है। ओके मैम। 9 फोर सा 36। 9 फाइव सा 45। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई हूँ। हाँ जी, बताइए बेटा, अपना नाम बताओ। शिवनीत। इसने चश्मे क्यों लगा रखे हैं? इसको दिखाई नहीं देता। मैम, ये एक नॉर्मल बच्चों का स्कूल है, आप प्लीज इसको लेके जाएं और किसी ब्लाइंड स्कूल में इसके एडमिशन कराएं। पर गवर्नमेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। बच्चों, अपनी नोटबुक निकालो, आज हम प्रॉफिट एंड
पहले हम प्रॉफिट पढ़ेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या होता है मैम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नोट करो सारे। मैम मुझे ना अपने बच्चों की एडमिशन करवानी है यहाँ पर अब तो हाफ सेशन निकल गया, आप बीच में क्यों आए हो? पर मैम सरकार ने जो ये कानून बनाया है ना कि हम अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं 20 साल में, तो आप एक काम करो, बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ और आप ऑफिस में जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। ठीक है जाओ बेटा, जाओ बेटा, तो देखा आपने एकीकृत शिक्षा प्रणाली जिसमें असक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में दाखिला तो मिल जाता है लेकिन उनके लिए अलग से कक्ष बनाए जाते हैं, उनका पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों से अलग होता है और प्रत्येक बच्चे की एक शिक्षिका होती है जो उसे जैसा कि आप देख रहे हैं इन बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाता है ताकि ये बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी योग्यता का विकास कर सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें।